Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. एक बार सारे लोग जरा क्लियर कर देंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर? आई एम ऑडिबल क्लियरली? एक बार सारे लोग जरा कंफर्म कर देंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर? यस, क्लियर, सब क्लियर है, सब क्लियर है. वेरी गुड. आज हम लोग न्यू टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल वाल्व की. ठीक है, कंट्रोल वाल्व से आपका ऑलमोस्ट हर ईयर में एक क्वेश्चन आई जाता है. इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कंट्रोल वाल्व से वन मार्क का. 2020 में भी क्वेश्चन आया है, 2016 में भी क्वेश्चन आया है, 2015 में भी क्वेश्चन आया है. कंट्रोल वाल्व से ऑलमोस्ट एक नंबर का पूछ लें या तो आपका दो नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. ठीक है, ओके. तो कंट्रोल वाल्व में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसकी मैं बात कर लेता हूँ. कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वाल्व, डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है, एयर टू ओपन वाल्व क्या होते हैं, एयर टू क्लोज वाल्व क्या होते हैं, ठीक है, और फेल ओपन क्या होता है, फेल क्लोज क्या होता है, इन इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे कि लिक्विड लेवल टैंक को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, या कोई आपकी रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो उसका टेम्परेचर हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाल्व मूवमेंट. ठीक है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे पूरे लेक्चर में आज बात करने वाले हैं. आज हम लोग ट्राई करेंगे कि कंट्रोल वाल्व जो बेसिक पार्ट है वो हम लोग पूरा आज कंप्लीट कर लें. राइट, चलो तो मैं जस्ट यहाँ से सेशन को स्टार्ट करता हूँ. आज ये पहला लेक्चर है कंट्रोल वाल्व में. ओके, तो मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा, माय नेम इज मनीष राजपूत, आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव 3+ year टीचिंग एक्सपीरियंस, यू कैन सी हियर. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3+ year टीचिंग एक्सपीरियंस.
3 प्लस ये टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 1 प्लस ये टीचिंग एक्सपीरियंस इन द गेट फील्ड जेडबली फील्ड मास ट्रांसफर सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल हीट ट्रांसफर एंड मैकेनिकल ऑपरेशन इज द माई सब्जेक्ट. ठीक है ओके. एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर एंड आई एम सेलेक्टेड इन द एचयूआरएल बैंगलोर. ठीक है ना एचयूआरएल. ठीक है ना हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड. ओके एंड दिस इज द माई कोड. यू कैन सी दिस कोड. ठीक है ना इनकेस आप लोगों को प्लस ज्वाइन करना है आइकोनिक ज्वाइन करना है वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन. सिक्स मंथ को आपको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करना है तो आप लोग इस कोड के साथ मूव कर सकते हैं. यहाँ से प्रॉपर तरीके से जो गाइडेंस वाला पार्ट रहता है जो मेंटरशिप वाला पार्ट रहता है वो मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करूंगा. ठीक है एंड सेकेंड बात ये कि आप कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे जो करंट में ऑफर्स चल रहे होंगे वो सारे आपको मिलेंगे और 10% आपका इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है चलो इसके बाद मैं बात करूँ कि भैया यहाँ से चलो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ. जो भी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कंट्रोल बॉल्व. सारे लोग हेडिंग डाल देंगे कंट्रोल बॉल्व और एक बार सारे लोग साइन बना देंगे. यस सारे लोग आ गए हैं क्या रेडी हैं. सारे लोग रेडी हैं. एक बार सारे लोग जरा साइन बना देंगे वी आर रेडी नाउ. ठीक है चलो हम लोग जो बात करेंगे कंट्रोल बॉल्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं कंट्रोल बॉल्व की बात कर रहे हैं. ठीक है एक बार सारे लोग जरा बता देंगे यस रेडी. ठीक है ना यस रेडी 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 एवरीवन आर रेडी. चलो वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे सो दैट सारे लोग ज्वाइन कर सकेंगे मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकेंगे. चलो ठीक है रेडी सर. तो कंट्रोल वॉल्व व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल वॉल्व. सारे लोग जरा बताएंगे कंट्रोल वॉल्व का यूज क्या है. What is the use of the control valve? जो हम पढ़ेंगे control valve, उसका ultimate purpose क्या है. उसका purpose क्या है. है ना अभी जो हम लोग पूरा lecture पढ़ेंगे उसका purpose क्या है. सर लोग जरा बताएंगे What is the purpose of the control valve? Yes, to control the flow. ठीक है ना इसका just जो purpose है वो क्या है. To control the flow. ठीक है ना flow को हमारा control करेगा. To control the फ्लो. ठीक है ये फ्लो को हमारा मेनली क्या करेगा कंट्रोल करेगा. ठीक है अब फ्लो को किस तरीके से कंट्रोल करेगा अब इसके अलग इसके अंदर हम लोग बात करेंगे. ठीक है टू कंट्रोल दी फ्लो या फ्लो कंट्रोल करना. मोटी मोटी बात हमको समझ में आ गई कि भैया कंट्रोल वाल्व सर हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको फ्लो कंट्रोल करना होता है. ठीक है इतनी हमको मोटी मोटी बात आ रही है समझ में. अब फ्लो हमको बढ़ना है बढ़ाना है या घटाना है वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है चलो तो फिर मैं यहाँ से वन बाई वन बात करता हूँ. कंट्रोल वॉल्व में आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग. ठीक है कंट्रोल वॉल्व आपके बेसिकली आप लोगों के एक्शन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है और आपका जो मेनली जो कंट्रोल वॉल्व होते हैं एयर टू ओपन जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग क्या वॉल्व होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं. ठीक है फिर हम लोग बात करेंगे एयर टू ओपन वॉल्व की. यहाँ पे थोड़े मैं आपको इन फिगर की हेल्प से आप लोगों को थोड़ा रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा और थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से एंड एयर टू क्लोज वॉल्व. ठीक है तो इनकी हम लोग थोड़ा बात करेंगे थोड़ा ढंग से यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो वन बाई वन हम लोग बात करना स्टार्ट करें. ठीक है सर लोग हेडिंग डालेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ द एक्शन वन इज द डायरेक्ट एंड अनदर वन इज द इनडायरेक्ट. लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्शन. लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्शन वन इज द डायरेक्ट एक्शन एंड अनदर वन इज द इनडायरेक्ट एक्शन. ठीक है इनडायरेक्ट एक्शन. ठीक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्शन. तो हम लोग सबसे पहले डाल दो पॉइंट ए डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व. डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व. ठीक है डायरेक्ट एक्टिंग और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग की. ठीक है ओके यस एक काम सारे लोग करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व से पहले आप कंट्रोलर थोड़ा समझ लो. मैं बात करूं यहां पे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक चीज समझ लो डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर. तो सारे लोग हेडिंग डाल देंगे डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्शन. ठीक है डायरेक्ट एक्शन क्या है और इनडायरेक्ट एक्शन क्या है. ठीक है तो सारे लोग इससे पहले थोड़ा एक्शन समझ लो. ठीक है ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्शन. एक्शन की जो हम बात करेंगे कोई आपका सिस्टम होगा. ठीक है उसके दो टाइप के एक्शन होंगे
एक होगा आपका डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। इनके एक्शन पहले पढ़ लो, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। कोई भी आपका कोई भी सिस्टम है ना, वो दो तरीके से एक्शन कर रहा होगा, या तो वो डायरेक्टली एक्शन कर रहा होगा, या तो वो इनडायरेक्टली एक्शन कर रहा होगा। डायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपका कोई भी वॉल्व है वो दो तरीके से काम कर रहा होगा, एक डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है। उसी तरीके से आपका कंट्रोलर को डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर होगा या इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर होगा, ठीक है। तो उसके एक्शन को देख के हम लोग कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि हमको डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर लगाना है या इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर लगाना है। तो इसकी वन बाई वन हम लोग यहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सपोज कर लो आपके पास एक कोई कंट्रोलर है, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास क्या है, कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर। मैं बोलूं ये आपका कंट्रोलर है, अभी कंट्रोलर आप आगे पढ़ेंगे, बस समझ लो कि ये कोई कंट्रोलर है, ठीक है, ये कंट्रोलर है, और कंट्रोलर में कुछ ना कुछ इनपुट जा रहा होगा, कुछ ना कुछ इसमें इनपुट जा रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना, इनपुट जा रहा होगा, और इससे आपका आउटपुट भी निकल रहा होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, आउटपुट भी निकल रहा होगा, ठीक है, ओके। अब देखो बात क्या होगी, आप इनपुट में चेंज करोगे, बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, यहाँ से, ठीक है। आप इनपुट में चेंज करोगे, इनपुट में आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इनपुट में क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी, आप सिग्नल बढ़ा के भी दे सकते हो, सिग्नल घटा के भी दे सकते हो, ठीक है। आपके पास दो तरीके के आप एक्शन ले सकते हो। तो मैंने बोला कि मैंने इनपुट को इनकेस इंक्रीज किया, इनपुट मैंने क्या किया इंक्रीज किया, राइट, और आपका आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, आउटपुट भी आपका इंक्रीज हुआ, तो बहुत ध्यान से समझना, आउटपुट भी आपका इंक्रीज हुआ। सपोज कर लो आपने एयर का प्रेशर, आपकी इनपुट हाइट, लिक्विड लेवल की जैसे हाइट बढ़ी, ठीक है, हाइट बढ़ी, इसका मतलब इनपुट इंक्रीज हुआ और कंट्रोलर का आउटपुट भी बढ़ा, इसका मतलब प्रेशर आपने क्या कर दिया, कंट्रोलर ने बढ़ा दिया उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट इंक्रीज करने से इनकेस आपका आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। तो उस टाइप के कंट्रोलर को बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, ठीक है। आपने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट भी बढ़ गया, ठीक है, तो इस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। और जो ये इनपुट, ये जो आपने इनपुट बढ़ा और आउटपुट बढ़ गया, इसके एक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है ना। आपका कंट्रोलर क्या हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, और एक्शन कैसा हुआ, डायरेक्ट एक्शन, इसके एक्शन को बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। मान लो आपने सीधी बात है, इनपुट बढ़ाया, आउटपुट भी बढ़ गया, मतलब तुम किसी पे एकदम से गुस्सा हो गए, सामने वाला भी क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन हुआ उसके ऊपर, ठीक है ना। तुम उस पर गुस्सा हुए, वो दो महीने तक बात अपने अंदर रखा रहा, ठीक है, और दो महीने बाद उसने कुछ किया, तो उसको क्या मतलब, इनडायरेक्ट एक्शन हो गया। मतलब आपने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट डिक्रीज कर गया, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट एक्शन हमको समझ में आ गया, कि एक बार सारे लोग जरा हरी झंडी देंगे हमको, यस, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, सही बात है। आपके घर में क्या है, मम्मी पापा कंट्रोलर हैं, ठीक है, जो आपके पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। मोटी सी बात आती है, जो सिस्टम को आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, आप अभी आगे पढ़ेंगे, जो सिस्टम को आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है, दैट इज द कंट्रोलर, ठीक है, लिख लेंगे। कंट्रोलर इज द डिवाइस, ये भी क्या होती है, एक इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होती है जो सिस्टम को आपका कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग एलिमेंट है, कंट्रोलिंग, कोई भी यहां पे क्या लगा होगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट लगा होगा, ठीक है, यस, गुड इवनिंग। मतलब आपने इनपुट बढ़ाया, आपका आउटपुट भी बढ़ गया, इसको हम उस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, ठीक है। एक्शन कैसा लिया कंट्रोलर ने, डायरेक्ट एक्शन कैसा लिया, डायरेक्ट, ठीक है, एक्शन कैसा लिया कंट्रोलर ने, डायरेक्ट, क्लियर। ये हम हमारी बात आ गई, क्योंकि अभी हम आगे यूज करेंगे ना इसका बहुत अच्छी तरीके से। नाउ ये हो गया आपका कंट्रोलर, कैसा हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। नाउ अगेन मैं बात करूं सेकंड पेज में, मैं बोलूं अगेन मैं आपका एक दूसरा फिगर लेता हूं, इसमें आपका क्या है, कंट्रोलर है, ये भी आपका क्या है, कंट्रोलर,
ये भी आपका क्या है, कंट्रोलर, केस टू, ठीक है ना, ये लिख लेना केस टू, और पहले वाला लिख लेना केस वन, ठीक है, कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है। आपने इनपुट इंक्रीज किया, ये क्या है आपका इनपुट, ये क्या है इनपुट, ठीक है, आपका इनपुट है, और ये क्या है आपका आउटपुट, ये क्या है आउटपुट, ठीक है, ठीक है। आपका इनपुट इंक्रीज हुआ, आपका इनपुट आपने क्या किया, इंक्रीज किया, आपने इनपुट इंक्रीज किया, आपने इनपुट इंक्रीज किया, और आपका आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, आपका आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, इनपुट आपने जैसे बढ़ाया, आउटपुट आपका डिक्रीज कर गया। इस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलेंगे, एवरीबडी, इस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलेंगे, इस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलेंगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट, आउटपुट गोइंग टू डिक्रीज, इस टाइप के कंट्रोलर को बोलेंगे इनडायरेक्ट कंट्रोलर, इसके एक्शन को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है, इस टाइप के कंट्रोलर को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कंट्रोलर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोलर। आपने कंट्रोलर कैसा लगा रखा है, इनडायरेक्ट, ठीक है। एक्शन क्या होगा आपका, एक्शन क्या हो गया, एक्शन क्या हो गया, इनपुट आपने बढ़ाया, आउटपुट डिक्रीज कर गया, तो कंट्रोलर का एक्शन क्या हो गया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्शन लिया उसने, ठीक है, इनडायरेक्ट। तो ये कंट्रोलर कैसा हो गया, इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, एक्टिंग लिख लो, एक्टिंग, एक्टिंग कंट्रोलर, इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, ठीक है। मतलब ये कि आपका जस्ट रिवर्स, अब ऐसा भी हो सकता है, आपने इनपुट डिक्रीज किया, देखो एक ऐसी भी बात हो सकती है, ये भी लिख लेना, इनकेस आपने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट आपका डिक्रीज हो गया, तो इनडायरेक्ट हो गया, ये बात हमको समझ में आ रही है। सर लोग जरा ये बताना, मैंने इनपुट घटाया, इनपुट मैंने कम किया, दिस इज द माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मैंने इनपुट को डिक्रीज किया और आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया, नाउ कंट्रोलर, विच कंट्रोलर वी विल यूज, बोलिए, इनपुट आपका घटा, आउटपुट आपका बढ़ गया, तो कंट्रोलर किस टाइप का है? यस, यही यही कृष्णराज, यही आप ही का क्वेश्चन है, ये आप ही का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट, अगेन लिसन केयरफुली, मतलब आपके क्या है, दो अपोजिट जब भी डायरेक्शन हो जाए तो इसका मतलब उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ये आपका इनपुट डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और ये आपका इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, ये आपका इंक्रीज भी कर सकता है। तो इस टाइप के पूरे एक्शन को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्शन। कंट्रोलर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। इतनी बात सारे लोग पहले ही बताओ, मोटी मोटी इतनी बात आई समझ में, फिर मैं आगे बढ़ूं, इतनी बात आई क्या, बिल्कुल ये बेसिक सी चीज थी, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, इसकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन लेकिन बहुत तगड़े वाले निकाल दोगे, ठीक है ना, बेसिक सी चीज है लेकिन आपके क्वेश्चन अच्छे निकल जाएंगे। एक बार सारे लोग जरा बताएंगे, इतनी बात सारे लोगों को आई समझ में क्या, कैन यू प्लीज टेल मी फास्ट। Yes. इतनी बात आ गई क्या एक बार समझ में, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखो अब मैं बोलूं, अब सारे लोग हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज द एयर टू ओपन बॉल एंड एयर टू क्लोज बॉल, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, ये हमारा कंट्रोलर के बारे में बात थी, अब हम बात करेंगे एयर टू क्लोज। आपने नाम सुना होगा एयर टू क्लोज बॉल्ब क्या होते हैं, एयर टू ओपन बॉल्ब क्या होते हैं, जरा इसको हम लोग थोड़ा ढंग से समझते हैं, ठीक है। एयर टू क्लोज बॉल्ब, एयर टू ओपन बॉल्ब, सारे लोग हेडिंग डालेंगे एयर टू क्लोज बॉल्ब एंड एयर टू ओपन बॉल्ब, सारे लोग मस्त तरीके से हेडिंग डालेंगे एयर टू क्लोज बॉल्ब एंड एयर टू ओपन बॉल्ब, ठीक है, सारे लोग हेडिंग डालेंगे, क्लियर। नहीं 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 नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कंट्रोलर का अलग पर्पज है, इनवर्स रिस्पॉन्स की स्टोरी अलग है, ठीक है। चलो यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, सारे लोग हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, बहुत ही केयर करेंगे इस चीज की, है ना, बहुत ही बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सुनेंगे मेरी बात। केवल मैं बोलूं, आपके दो बॉल्ब हैं, ठीक है, एक आपका एयर टू ओपन है, एक आपका एयर टू क्लोज है, ठीक है ना, एयर टू ओपन है, एयर टू क्लोज है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, इनके मेन मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं बोलूं, आपका जो बॉल्ब है ये, ठीक है ना, मैं किस टाइप के वॉल्व को कैसे पहचानूंगा कि कौन सा एयर टू ओपन है, कौन सा एयर टू क्लोज है, ठीक है, और कौन सा वॉल्व हमको कब लगाना है, ठीक, कौन सा वॉल्व हमको कब लगाना है, राइट। अच्छा,
पहले इनकी हम दोनों की मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इन दोनों की मैकेनिज्म क्या है, फिर हम लोग चूज कर पाएंगे कि कौन सा लगाना है। तो इसके मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो वॉल्व है, ये बोल रहे हैं ये जो वॉल्व है आपका क्या है, एयर टू क्लोज वॉल्व, एयर टू क्लोज वॉल्व, एयर टू क्लोज वॉल्व। जो एयर टू क्लोज वॉल्व होता है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चले जाना, एयर टू जो क्लोज वॉल्व होता है वो क्या होता है, एयर टू क्लोज का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ओपन रहता है। देखो ठीक है, यहां से आपका इनपुट आया, ये क्या है आपका इनपुट, ठीक है, ये स्टीम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कोई आपका फ्लूइड आया, ठीक है, और मस्त इस तरीके से आपका क्या कर गया, निकल गया, ठीक है, इस तरीके से निकल गया। इसका मतलब आपने देखा ये वॉल्व पहले से ही क्या है, ओपन है, ये वॉल्व पहले से ही ओपन है। जो वॉल्व पहले से ही ओपन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एयर टू क्लोज। क्यों एयर टू क्लोज बोलते हैं, उसके पीछे पर्पस समझना। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस वॉल्व का जो मूवमेंट होता है वो हम एयर के प्रेशर की हेल्प से इसको एडजस्ट करते हैं, एयर के प्रेशर के सिग्नल की हेल्प से इसके मूवमेंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, राइट, ओके। अब एयर टू जो क्लोज वॉल्व होता है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से हम लोग क्या प्रोवाइड इसमें करते हैं, एयर, ऊपर से हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जो ये स्टेम है, स्टेम का जो पोजीशन होती है, ये कहां पे मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कहां पे मूव करेगा, डाउनवर्ड। जैसे आपने एयर अप्लाई की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, ये क्या कर दिया, सिस्टम को इसने क्लोज कर दिया। इसका मतलब, इसका नाम इस वजह से पड़ा एयर टू क्लोज। एयर टू क्लोज नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे रीजन समझो, एयर के प्रेशर के अप्लाई होने से आपका ये वॉल्व क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है, एयर के प्रेशर के अप्लाई होने से ये वॉल्व क्लोज होगा, अदरवाइज ये वॉल्व कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। इन नॉर्मल कंडीशन दिस वॉल्व विल बी ओपन, बट इफ यू आर अप्लाइंग द एयर प्रेशर इन द सिस्टम देन दिस स्टेम पोजीशन गोइंग टू डाउनवर्ड एंड वॉल्व विल क्लोज, ठीक है। स्टेम की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड में आती है, जब स्टेम की पोजीशन डाउनवर्ड में आती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। आप लोग हल्का सा फिगर बना सकते हैं, आपकी जैसी ड्राइंग हो आप फिगर बना सकते हैं, अदरवाइज इससे अच्छा फिगर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज सीधे सीधे लोग बना देते हैं फिगर, वो मजेदार नहीं, यहां से बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव मूवमेंट क्यों बोले हमने, इसके मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब ये एयर प्रेशर बढ़ाया ना तो ये स्प्रिंग क्या हुई, स्प्रिंग फाइलिंग, स्प्रिंग का एक्सपेंशन हुआ। जब स्प्रिंग का ये एक्सपेंशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। आपकी क्या हुई, स्प्रिंग डाउनवर्ड आई, स्प्रिंग का एक्सपेंशन होना, स्प्रिंग का एक्सपेंशन होना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव मूवमेंट। मतलब आपका जो स्टेम है उसकी स्टेम की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, स्टेम की पोजीशन किधर आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम लोग बोलते हैं एयर टू क्लोज। एयर टू क्लोज क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन समझो, इफ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर सिग्नल इन द सिस्टम, ठीक है ना, दिस वॉल्व गोइंग टू डाउनवर्ड एंड दिस फ्लो विल बी क्लोज। तो इसका मतलब ये वॉल्व क्या हो गया आपका, एयर टू क्लोज। नॉर्मली कैसा रहता है, नॉर्मली ओपन रहता है, नॉर्मली आपका ओपन रहता है, और एयर टू क्लोज जब आपका एयर का प्रेशर इस पे पड़ेगा तभी ये वॉल्व आपका क्लोज होगा, ठीक है, तभी वॉल्व क्या होगा, क्लोज होगा। एक और इसका नाम होता है फेल ओपन। पहले ये बताओ, इतनी बात सारे लोगों को आई समझ में क्या, इतनी बात सारे लोगों को समझ में आई क्या, इसका नाम एयर टू क्लोज क्यों है और एयर टू क्लोज की मैकेनिज्म क्या है, इसकी बात आई सारे लोगों को समझ में। अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मैं बात करूंगा, अपने एयर टू ओपन में मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, ठीक है। हाँ, अभी देखना, अभी स्प्रिंग वाला एक और ग्राफ है वहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इतनी बात लिखो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब आपका स्टेम की पोजीशन क्या आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई। देखो, लिसन केयरफुली, जो स्प्रिंग वाला फंडा, और देखो इधर, देखो समझो, एक और है फिगर, ये देखो, मतलब क्या हुआ, ये जो है ना स्टेम की पोजीशन, जब ये नीचे आएगा, ठीक है ना, ये क्या आएगा, ये देखो, ये देखो, एक अगेन वही है, एयर टू
ईयर टू कैसा है ये वाला, सारे लोग जरा बताएंगे मेरे को देख के, ये वाला बल्ब कैसा होगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, ईयर टू क्लोज, ये दोनों कैसे हैं, ईयर टू ओपन, मतलब ऑल, ये ईयर टू ओपन वाला बल्ब है। एक मिनट, ये बल्ब कैसा है, ईयर टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी ईयर टू क्लोज की बात समझ लेते हैं, फिर इसको बताते हैं, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम ही है, ये दोनों फिगर सेम ही है, ठीक है, दोनों फिगर सेम है, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं, देखो लिसन केयरफुली, मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, ये यहां से हटा दूं, ये वाला जो है ना, ये वाला है ना पार्ट, देखना ये वाला जो पार्ट है वो, इसको मैं कर दूं यहां पे, इसको मैं कर दूं ऊपर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, और इसका मतलब जो हमारा एयर है वो हमारा एयर ऐसे आया, ऐसे आया और एकदम से ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चल जा रहा है अभी। अब क्या होगा, इसमें हम लोग एयर यहां से ना सप्लाई करके, यहां से ना सप्लाई करके, हम लोग सप्लाई कहां से करेंगे, टॉप से, हम लोग सप्लाई कहां से करेंगे, टॉप से। जैसे टॉप से सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग इसमें क्या होती है, खींचती है, ठीक है, स्प्रिंग खींचेगी तो ये किधर जाएगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, डाउनवर्ड, ये पोजिशन फिक्स होती है, ये पोजिशन फिक्स होती है, ये नीचे की ओर जाता है, ठीक है, ये पोजिशन फिक्स होती है, तो ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ये बात आ गई ना समझ में, जो लोग स्प्रिंग वाले में खेल रहे थे, ये पोजीशन फिक्स है, जब ये स्टेम नीचे खींचेगा तो स्प्रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, स्प्रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो इसको मतलब आपका जो स्टेम है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं, राइट। चलो अब देखो एक तो हमको बात आ गई समझ में, ईयर टू, हमको बात समझ में आ गई, ईयर टू क्लोज। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं फेल ओपन भी, बहुत ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं फेल ओपन, इसको हम लोग फेल ओपन भी बोलते हैं, ठीक है, फेल ओपन, फेल ओपन का नाम समझना क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब समझना, ये वाल्व फेल ओपन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, ये मतलब ये है फेल ओपन का, कि इनकेस आपका एयर प्रेशर, एयर जो सिग्नल आ रहा था ना, इस वाल्व ने क्या कर दिया, सिग्नल को रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, इनकेस किसी भी सिचुएशन में एयर का जो सिग्नल आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना, ऐसा डिफॉल्ट की वजह से हो सकता है, डिफॉल्ट की वजह से हो सकता है, मतलब एयर के सिग्नल आना क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है ना, एयर के सिग्नल कैसे हो गए, फेलियर हो गए, तो फेलियर होने पर यह वाल्व क्या रहेगा भैया, ओपन रहेगा, ये वाल्व क्या रहेगा, ओपन, दिस इज द वाई वी आर कॉलिंग दिस वाल्व फेल ओपन, ठीक है, दिस इज वाई वी आर कॉलिंग दिस वाल्व फेल ओपन, फेल ओपन का मतलब क्या है, एयर टू क्लोज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर प्रेशर, जब आपका एयर जो प्रेशर सिग्नल है ना, एयर प्रेशर सिग्नल क्या हो गए, फेलियर हो जाए, फेलियर कंडीशन, ठीक है, इनकेस किसी वजह से एयर प्रेशर सिग्नल इसने रीड नहीं कर पाया तो ये क्या हो जाएगा, वाल्व फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये ओपन ही बना रहेगा, ओपन ही बना रहेगा, ठीक है, इस वजह से इसका एक और नाम होता है फेल ओपन, ठीक है, इसका एक और नाम होता है फेल ओपन। पहले ये बताओ एयर टू ओपन वाले में सारे लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई, ठीक है, यस, हाँ हाँ हाँ, इतनी बात ये बताओ, पहले एयर टू क्लोज की बात सारे लोगों को समझ में आ गई क्या, हाँ, अब देखो इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, इसमें हम लोग बोले दिस इज द, इसको हम बोलेंगे एयर टू ओपन। अब देखना बहुत ध्यान से, जो एयर टू ओपन वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, इसकी बात समझना सर लोग, एयर टू ओपन जो वॉल्व होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है, इसके बॉटम से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कहां से आपका प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम से, यहां पर देख पा रहे होगे, इसके बॉटम से प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, टॉप से नहीं आता है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इसके टॉप से नहीं आएगा, बॉटम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो बॉटम से जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, बॉटम से जब भी आप प्रोवाइड करोगे प्रेशर, तो क्या होगा, ये जो स्टेम है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना आके किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम की जो पोजिशन होगी वो किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये कहां जाएगा, स्टेम ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे ना आके,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर टू ओपन वॉल्व होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। देखो क्लोज है एंड यहां पे देखो ओपन था, यहां पे ओपन था, ये क्या था, क्लोज था। इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा, जब यहां से आप एयर सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा, स्टेम की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव मूवमेंट, निगेटिव मूवमेंट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव मूवमेंट। निगेटिव मूवमेंट जैसे होगा, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, बाद में ओपन हो जाएगा, ये वाल्व क्या हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं एयर टू क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, एयर टू ओपन, ठीक है। एयर पढ़ने पर, एयर का जब प्रेशर आप पढ़ाओगे बॉटम से, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ये क्या रहता है, नॉर्मली क्या रहेगा, ये क्लोज रहेगा। नॉर्मली, नॉर्मली ये वाल्व कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। नॉर्मली ये वाल्व कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इन जनरल बात करेंगे तो ये क्लोज रहेंगे, ठीक है। जैसे तब आप एयर प्रेशर डालोगे इसमें तो क्या होगा, ये स्टेम की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्टेम की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तब वाल्व ओपन हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इस वाल्व को क्या बोलते हैं, एयर टू ओपन, जो कि नॉर्मली कैसे रहते हैं, क्लोज, नॉर्मली क्लोज रहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, यहां पे मेंशन नहीं है, इसका एक और नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेल ओपन। क्या बोलेंगे इसको, बोलते हैं फेल ओपन, इसको बोलते हैं फेल क्लोज, इसको बोलते हैं फेल क्लोज, ठीक है, फेल क्लोज। फेल क्लोज का मतलब क्या हुआ कि इनकेस इसने एयर प्रेशर सिग्नल रीड करना ये फेलियर हो गया, या एयर प्रेशर के सिग्नल को ये रीड नहीं कर पाया, तो ये क्या रहेगा भैया, क्लोज रहेगा। ये वॉल्व कैसा रहेगा, क्लोज, इसी वजह से बोलते हैं फेल क्लोज। इनकेस किसी वजह से एयर के सिग्नल फेल हो गए, इसने रीड करना फेल हो गया, रीड नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसा रह जाएगा, क्लोज रह जाएगा। ये वॉल्व कैसा रह जाएगा, क्लोज, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं फेल क्लोज, ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं फेल क्लोज। ये बताओ पहले, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐसे हम लोग बोलते हैं, देखो साथ हम लोग जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, मतलब कोई भी चीज स्टेम की पोजीशन ये थी एक्स, ठीक है ना, और कहां पे चले जाए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, स्टेम की पोजीशन ये एक्स थी, बढ़के कितनी हो जाए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट। इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट। इसका मतलब पहले आपकी पोजीशन ये थी, ठीक है, अब आपने क्या किया, सिग्नल बढ़ा दिया, तो स्टेम की पोजीशन डाउनवर्ड आई, तो एक्स प्लस डेल्टा है, इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट। यहां पे क्या था, पोजीशन एक्स थी, अब इसने आपने एयर प्रेशर बढ़ाया, तो क्या हो गए, एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो गई, क्या हो गई, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। जब आपका नेगेटिव, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव मूवमेंट। इसका मतलब जो एक्स उसकी पोजीशन थी, अब वो घटके कितनी हो गई, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। यस, अभी ऋतिक उसी की बात करेंगे, अभी इसकी मैकेनिज्म सिर्फ समझ लो, अभी कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे इस बात को, कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है, इन दोनों पे एक क्वेश्चन की बात करनी है, ठीक है। पहले मैकेनिज्म आनी चाहिए समझ में, ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कब कहां पे कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर तक आप लोग वाल्व के मास्टर हो जाओगे, टेंस है ना, लास्ट लेक्चर तक बिल्कुल जाओ, अभी इसकी मैकेनिज्म, इसके एप्लीकेशंस कहां पे आपको देखने को मिलेगा, गजब तरीके से भी सब चीजें आएंगी। पहले हम लोगों को इतनी बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज करूं, तो डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, सर लोग जरा बता दो, डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग वॉल्व, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर क्या होता है, सर लोग जरा बता देने, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर क्या होता है, तेजी से समराइज मैं करूं इसको, तेजी से मैं समराइज करूं तो सर लोग जरा बता देंगे, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट आउटपुट गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, इफ यू आर डिक्रीजिंग द इनपुट आउटपुट गोइंग टू डिक्रीज, दिस टाइप के एक्शन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन, और इस टाइप के कंट्रोलर को बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर, ठीक है। इनपुट इंक्रीज हुआ, आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, यस बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, ये डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या हो गया, यस वेरी गुड वेरी गुड, इसको मैं समराइज करूं तो इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या हो गया, कैन यू प्लीज टेल मी फास्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या हो गया,
इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब इनपुट इंक्रीज हुआ आउटपुट डिक्रीज हुआ, इसको हम लोग बोल दिए इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। और एक्शन क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एक्शन क्या हो गया? इनडायरेक्ट। कंट्रोलर की बात हमको समझ में आ गई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। दूसरी बार मैं यहां पे थोड़ा समराइज आपको करना चाहूं, यहां पे मैं समराइज करना चाहूं, ठीक है? यस, बिल्कुल। इनपुट इंक्रीज, इंक्रीज टू डिक्रीज, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। अपोजिट रिस्पॉन्स, यस यू कैन से। चलो सारे लोग जरा बता देंगे, एयर टू क्लोज वाल्व क्या होते हैं? एयर टू क्लोज वाल्व क्या होते हैं? इफ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर, व्हाट इज द एयर टू क्लोज? थोड़ा आप लोग थोड़ा लिखें, व्हाट इज द एयर टू क्लोज? एयर टू क्लोज वाल्व क्या होते हैं? यस, एयर टू क्लोज का मतलब क्या हुआ? इफ यू, ये कैसे होते हैं? पहले से ही ऑलरेडी क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं? देख रहे होगे, ओपन है, ठीक है? ये पहले से क्या होते हैं? ओपन पहले से ही होते हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, ऑलरेडी ओपन होते हैं। इफ यू आर इंक्रीज, इफ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर देन मूवमेंट, इसको पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अप्लाइंग द प्रेशर स्टैम्प पोजिशन विल इंक्रीज, ठीक है ना? यस, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इट विल क्लोज, ठीक है ना? इट विल क्लोज, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो इसका मतलब, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? यस, इसका दूसरा नाम क्या है? कैन यू टेल मी फास्ट, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ दिस बॉल्ब? एयर टू फेल ओपन। फेल ओपन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्यों? Why we are calling this valve is fail open? Why? कोई आपसे पूछ दे, ये लिखते चले जाना सारी चीज, ये आप लोग ग्राफ भी बना लेना, फिगर भी बना लेना, ठीक है, कॉपी में। Why we are calling this valve fail open? Why? Why? कोई आपसे पूछ दे, क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा? क्यों fail open? क्यों इसका fail open का मतलब क्या हुआ? मतलब इनकेस इसने सिग्नल रीड करना क्या कर दिया? फेलियर, एट द फेलियर कंडीशन ऑफ द एयर सिग्नल, एट द फेलियर कंडीशन ऑफ द एयर सिग्नल दिस वॉल्व विल बी ओपन, दिस वॉल्व विल रिमेंस ओपन, ठीक है ना? दिस वॉल्व विल रिमेंस ओपन, ठीक है ना? ये वॉल्व आपका ओपन ही रह जाएगा। दिस वॉल्व विल रिमेंस ओपन एट द कंडीशन ऑफ फेलियर, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस वॉल्व इज फेल ओपन, ठीक है ना? यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। इसकी बात खत्म हुई। नाउ अब मैं यहां पे आता हूं इस वाले बॉल्व में। एयर टू ओपन वॉल्व का क्या मैकेनिज्म है? ये ऑलरेडी आपका वॉल्व कैसा रहेगा भैया? क्लोज रहेगा। एयर टू ओपन, दिस वॉल्व इज ऑलरेडी, यस यस यस, वेरी गुड, दिस वॉल्व विल ऑलरेडी क्लोज। ये अपना वॉल्व कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा। If you are applying the air pressure at the bottom, if you are applying the pressure at the bottom, this stem position going to upward, ठीक है ना? इसके movement को हम लोग negative movement बोलते हैं, ठीक है? और ये valve मस्त तरीके से क्या हो जाएगा? Open। ये valve मस्त तरीके से क्या हो जाएगा? Open। और इस तरीके से आपका flow निकलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना? If you are applying the air pressure, this valve going to अपवर्ड डायरेक्शन, और क्या हो जाएगा? अपना मस्त तरीके से फ्लो निकलता चला जाएगा, ठीक है ना? इट विल फ्लो हैपन, ठीक है? अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फेल क्लोज, ठीक है ना? फेल क्लोज, इसको और नाम से किससे जाते हैं? फेल क्लोज। वाई कोई आपसे पूछ दे, भैया फेल क्लोज क्यों बोलते हैं? वाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों हम लोग इसको बोलते हैं फेल क्लोज? क्यों बोलते हैं फेल क्लोज? फेल क्लोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन केस इसने एयर का प्रेशर क्या, एट द कंडीशन ऑफ द फेलियर, एट द कंडीशन ऑफ द फेलियर टू डिटेक्ट द एयर प्रेशर, दिस वॉल्व रिमेंस क्लोज, दिस वॉल्व रिमेंस क्लोज, ठीक है ना? ये वॉल्व भैया अपना क्लोज ही रहेगा, ठीक है? इफ यू आर, ये क्या हो गया? एट द कंडीशन ऑफ फेलियर, ठीक है ना? दिस वॉल्व रिमेन्स क्लोज, यस राइट, यस। इसको फेल ओपन के नाम से ही जानते हैं।
फेल ओपन के नाम से ही साथ जानते हैं, ठीक है ना। फेल टू ओपन नहीं बोलते हैं इसको, आप लोग कहीं पे भी बुक वगैरह रीड करेंगे तो इसको फेल ओपन बोलेंगे, ठीक है ना। फेल ओपन का मतलब क्या हुआ, फेल ये क्या हो गया आपका फेल ओपन, और ये क्या हो गया फेल क्लोज हो गया, तो इसको फेलियर, एट द कंडीशन ऑफ फेलियर इट विल वॉल्व विल रिमेन्स क्लोज, ठीक है ना। हाँ साथ इसका मतलब एक सिग्निफिकेंस वो होता है, लिखने का एक तरीका होता है कि फेल ओपन ही क्यों बोला गया है, क्योंकि आप सिर्फ मतलब समझ लो इसका क्यों बोला गया, फेल टू ओपन नहीं होता है, फेल टू ओपन का मतलब अलग हो गया, ठीक है ना, फेल ओपन का मतलब अलग हो गया, ठीक है। यस, एट द कंडीशन ऑफ फेलियर विल रिमेन्स क्लोज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फेल क्लोज हो गया, फेल टू क्लोज नहीं है, राइट। चलो इतनी बात आ गई हमको समझ में। अब इनका किसी ने पूछा था सर इनका यूज कहां पे है, इनका यूज कहां पे है, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप गेट के अब क्वेश्चन बना सकते हो सोच के। मैं डायरेक्ट आपको गेट का क्वेश्चन देता हूं, यहां पे मैं पूरा इसमें एप्लीकेशन इसका समझा दूंगा ईच एंड एवरी वॉल्व का और जो कंट्रोलर है। इतना शानदार ये क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसके आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, आप इसकी मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे, व्हाई वी आर रीडिंग दिस वॉल्व, सारा कुछ इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आप पहले आराम से आप लोग, अच्छा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सेशन, यस यस, सारे लोग आज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है सारे लोग अपने प्रेजेंट नहीं थे क्या आज, तो आप लोग जो लोग प्रेजेंट नहीं थे वो लोग देख लेना जाके सेशन, वो लोग देख लेना जाके। यस जानवी, काफ़ी लोग मतलब उसको एंजॉय किए हैं। यस, पूरे कफनर के क्वेश्चन थे उसमें। चलो ग्रेट, चलो इस क्वेश्चन को जरा सारे लोग टैकल करो, टैकल करो। देखो मैं बोल रहा हूं अ लिक्विड लेवल कंट्रोलर सिस्टम इज द कॉन्फिगरेटेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। फिगर में बताया गया है इफ द लेवल ट्रांसमीटर एलटी, ठीक है ना, ये जो लेवल को जो मीजर कर रहा है वो किस, कौन मीजर कर रहा है, लेवल ट्रांसमीटर, ठीक है, ओके, इज डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है ना, जो लेवल ट्रांसमीटर है वो कैसा है, डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इन केस बड़ा हुआ कैसे भी सिग्नल मिला तो ये आउटपुट भी बड़ा हुआ निकाल देगा, ठीक है। इन केस ये कैसा है, डायरेक्ट एक्टिंग, देखो लिखा है डायरेक्ट एक्टिंग, लेवल ट्रांसमीटर कैसा है, डायरेक्ट एक्टिंग, इट मींस इसको इन केस ये लेवल डिटेक्टर जो कर रहा है, लेवल इसका डिटेक्ट कर रहा है, इसको इन केस बड़ा हुआ हाइट मिला तो ये आउटपुट भी बड़ा हुआ निकाल देगा, ठीक है। एंड पेनीमेट्रिक कंट्रोल वॉल्व इज एयर टू ओपन, यहां पे आपका लगा है भैया वॉल्व, वॉल्व कैसा लगा है, एयर टू ओपन, एयर टू ओपन, एयर टू ओपन, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही मैं लिख रहा हूं, वॉल्व लगा है एयर टू ओपन। सारे लोग बहुत मस्त तरीके से कॉपी में राइट करेंगे इसको, कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन, सारे लोग कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से सारा कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। व्हाट काइंड ऑफ द कंट्रोलर एक्शन, कंट्रोलर का एक्शन क्या होगा, ये एक्शन क्या होगा, एंड एंड वाई, एंड वाई, ठीक है, क्यों होगा और एक्शन किस टाइप का होगा, डायरेक्ट एक्टिंग होगा या इनडायरेक्ट एक्टिंग होगा, और होगा तो क्यों होगा, होगा तो क्यों होगा, होगा तो क्यों होगा, होगा तो क्यों होगा, होगा तो क्यों होगा। चलो यस, ऐप पर थी, देखो होगा तो क्यों होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अच्छा एक चीज सारे लोग जरा नोट कर लेना, पीछे वाले पार्ट में मैंने, मुझे लग रहा है एक चीज नोट कर लेना, एक मिनट, ठीक है ना। ये जो अभी आपने पढ़ा है ना, जो आपका डायरेक्ट एक्टिंग होता है, ओके ओके लिख लिया ना, हाँ ठीक हो गया, ठीक है, हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। देखो अब मैं बोलूँ यहाँ से, सारे लोग बहुत ध्यान से बताओ, थोड़ा सोचो सारे लोग, सेल्फ सोचो, बहुत ध्यान से देखना। अपन को सारे लोग ये बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे लोग जरा बताना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ईयर क्या है, सारे लोग जरा बताना, बहुत ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सारे लोग जरा बताना ऑब्जेक्टिव क्या है इन दिस क्वेश्चन का, ये पूरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है। गुड इवनिंग, सारे लोग थोड़ा फास्ट कमेंट करके भाई बताएंगे तभी मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन का, पूरा मजा तभी उठा पाओगे। इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो टू कंट्रोल द लेवल, टू कंट्रोल द लेवल, ठीक है ना,
टू कंट्रोल द लेवल, टू कंट्रोल द लेवल, लिक्विड लेवल, ठीक है, टू कंट्रोल द लिक्विड लेवल, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड के लेवल को आपको कंट्रोल करना है, जो इसमें आपका फिल है, जो इसमें आपका फिल है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चले जाना, एक एक पॉइंट समझते चले जाना, ठीक है। मैं क्या करूं, मैंने इनपुट में चेंज किया, मैंने इनपुट में चेंज किया, आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट, आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट। ये बताओ सारे लोग, इसकी हाइट बढ़ेगी क्या, इसकी हाइट बढ़ेगी क्या, एवरीवन इसकी हाइट बढ़ेगी क्या, इफ यू आर आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट, इसकी हाइट बढ़ेगी क्या। सारे लोग बहुत ध्यान से समझना, मैं इनपुट में इंक्रीज करता हूं तो इसकी हाइट बढ़ेगी क्या, एवरीवन एवरीवन सारे लोग बताओ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट, मैं इनपुट के साथ कुछ छेड़छाड़ी करता हूं तो ये बताओ सारे लोग, इसकी हाइट बढ़ेगी क्या, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, आपने हाइट बढ़ाई, हाइट आपकी बढ़ी, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट, आपने हाइट बढ़ी तो ये आपका लेवल ट्रांसमीटर है, आपका लेवल ट्रांसमीटर का मैं बोलूं, ये आपका लेवल ट्रांसमीटर है, तो लेवल ट्रांसमीटर आपका कैसा है, डायरेक्ट एक्टिंग, लेवल ट्रांसमीटर है डायरेक्ट एक्टिंग। आपने का इनपुट इसमें कितना है, सारे लोग जरा बताना, ये लेवल ट्रांसमीटर का इनपुट क्या है, हाइट, लेवल ट्रांसमीटर का इनपुट क्या है, हाइट, हाइट, जैसे आपने इनपुट चेंज किया तो हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ी, ये बताओ, और इसका एक्शन कैसा है, डायरेक्ट, इसका एक्शन कैसा है, डायरेक्ट, तो ये जो आउटपुट सिग्नल देगा वो भी बड़ा हुआ देगा क्या, सारे लोग जरा बताना, आउटपुट जो सिग्नल देगा वो भी बड़ा हुआ देगा क्या, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ये बताओ, हाइट बढ़ी इसका मतलब इसका इनपुट हाइट थी, ठीक है, इसका इनपुट क्या थी, हाइट थी ना, हाइट आपने बढ़ी तो इसका मतलब ये आउटपुट में भी रीड बताएगा कि भैया हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि एक्शन कैसा है इसका, डायरेक्ट एक्शन कैसा है, डायरेक्ट, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, अब ये लगा है आपका लेवल कंट्रोलर, और इसमें क्या पूछा गया है, यस यस, लेवल कंट्रोलर के बारे में ही बात पूछी है इसने, क्वेश्चन में बताना है लेवल कंट्रोलर कौन सा लगाओगे और क्यों लगाओगे, ऐसा पूछा है, बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो इनपुट जाएगा, मैं बोलूं ये आपका लेवल कंट्रोलर है, ये आपका लेवल कंट्रोलर है, ठीक है, तो लेवल कंट्रोलर का इनपुट सारे लोग जरा बताना, इनपुट क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनपुट आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, सारे लोग जरा बताना, लेवल कंट्रोलर का जो इनपुट होगा वो कैसा होगा, बहुत ध्यान से सारे लोग जरा बताओ, सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तभी मजा आएगा, इस क्वेश्चन का मजा तभी ले पाओगे आप पूरी तरीके से, फील तभी ले पाओगे। ये बताओ इंक्रीजिंग, अदरवाइज ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आईपीसी में सस्टेन करते रहते हैं गेट तक, आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीजिंग, ओके, अब रुक जाओ यहां पे, अब रुक जाओ, अब आपको इसका आउटपुट डिसाइड करना है, किसके अकॉर्डिंग, वॉल्व के अकॉर्डिंग, अब इसका आउटपुट आप बढ़ेगा या घटेगा वो डिसाइड किसके बियाप पे करोगे, कैसा वॉल्व लगा है, कैसा वॉल्व लगा है। अब सारे लोग क्या चाहते हैं ये बताओ मेरे को, अब यहां पे रुक जाओ, यहां पे रुक जाओ सारे लोग, यहां पे रुक जाओ, यहां तक मुझे पहुंचाना था कि लेवल कंट्रोलर का इनपुट कैसा है, अब रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट लंबी सांस लो, बहुत ध्यान से देखना एक मिनट के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द हाइट, ये हाइट कब मेंटेन हो पाएगी, तब इनकेस आपका इनपुट आपका बढ़ा, आपने फ्लो रेट आपने बढ़ाया, तो आप चाहते हो वॉल्व ओपन हो, आप चाहते हो वॉल्व ओपन हो, तभी तो इसकी मेंटेन हाइट कर पाओगे। लिसन वेरी केयरफुली, आपने हाइट बढ़ाई, आप मेंटेन करना चाहते हो लिक्विड लेवल, तो आप क्या चाहते हो, वॉल्व ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली, वॉल्व क्या हो जाए, ओपन हो जाए, आप ये तो चाहते हैं, एवरीवन एवरीवन आप चाहते हैं वॉल्व ओपन हो, आप चाहते हैं वॉल्व ओपन हो, सारे लोग जरा बताओ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ओपन द वॉल्व, वन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन, दूसरा आपका आपका एक्शन कैसा होगा, टू ओपन द वॉल्व, आप चाहते हैं वॉल्व को खोलना, तभी तो मेंटेन कर पाओगे। सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, आप चाहते हो वॉल्व खुले, अच्छा वॉल्व कैसा लगा है जरा बताओ सारे लोग, वॉल्व लगा कैसा है, वॉल्व क्वेश्चन में बोला गया है एयर टू ओपन, एयर टू ओपन, वॉल्व आपका लगा है एयर टू ओपन, एयर टू ओपन,
ये बताओ सारे लोग, एयर टू ओपन कब होता है? जब आउटपुट सिग्नल, एयर टू ओपन कब होगा? जब आपका एयर सिग्नल बढ़ेगा तब ओपन होगा, या एयर सिग्नल इसमें घटेगा तब ओपन होगा? ये ओपन कब होगा? एयर टू ओपन इसका मतलब वाल्व कब ओपन होगा, वाल्व कब ओपन होगा, वाल्व कब ओपन होगा, बोलिए सर लोग, वाल्व कब ओपन होगा? जब आप एयर का सिग्नल बढ़ाओगे, जब इसके ऊपर एयर का सिग्नल बढ़ाओगे तब ये वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर देन वाल्व विल ओपन, ठीक है, क्योंकि एयर टू ओपन लगाए ना वाल्व। इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम द बॉटम तो ये क्या कर जाएगा, ओपन कर जाएगा, बोलो सर लोग, है ना, ओपन करेगा ना, ओपन करेगा। इसका मतलब आप चाहते हो इसमें प्रेशर को इंक्रीज करना, आप चाहते हो सारे लोग प्रेशर को इंक्रीज करना, आप चाहते हो इसका प्रेशर इंक्रीज हो तो ये ओपन हो, इधर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये तो आपका क्लोज बना रहेगा, क्योंकि ये पहले से क्लोज है, इनके साथ प्रेशर सिग्नल अप्लाई नहीं करोगे तो ये क्लोज बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिक्विड लेवल फ्लडिंग आ जाएगी। इनके साथ प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तो, प्रेशर बढ़ाओगे तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये वाल्व क्लोज है पहले से। वाल्व कैसा है, पहले से क्लोज है, एयर टू ओपन का मतलब पहले से क्लोज होना, ये पहले से क्लोज है, इसका मतलब आप एयर का सिग्नल तब दोगे तभी ये ओपन होगा, तभी आप मेंटेन कर पाओगे। इसका मतलब ये बताओ, आप चाहते हो प्रेशर बढ़े तो इसका मतलब जो लेवल कंट्रोलर है उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए, लेवल कंट्रोलर का आउटपुट कैसा होना चाहिए, सर लोग बताओ लेवल कंट्रोलर का आउटपुट कैसा होना चाहिए। एवरीवन, आई वांट टू लिसन एवरीवन, यस एवरीवन, लेवल आउटपुट कैसा होना चाहिए, इंक्रीज आउटपुट कैसा होना चाहिए, आउटपुट बताओ, सिर्फ एक्शन तो अपने आप बाद में डिफाइन कर ही लोगे, आउटपुट बढ़ना चाहिए, आउटपुट बढ़ना चाहिए, बोलिए सर लोग, आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, इनपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, सारे लोग बता दो लेवल कंट्रोलर कैसा होगा, इसका एक्शन कैसा होगा, इसका एक्शन कैसा होगा, एक्शन कंट्रोलर का एक्शन कैसा होगा, एक्शन कैसा होगा, एवरीवन एवरीवन, व्हाट टाइप ऑफ द एक्शन ऑफ दिस कंट्रोलर, एवरीवन, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, व्हाट टाइप ऑफ द एक्शन, डायरेक्ट, भाई साहब डायरेक्ट पकड़ लो पहले, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग, ये बी और डी कैंसिल आउट कर दो, ए पार्ट या सी पार्ट में से एक आंसर होगा, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग। सारे लोग बताओ एयर टू ओपन वाल्व कैसा होता है, एयर टू ओपन वाल्व कैसा होता है, एयर टू ओपन वाल्व कंट्रोल वाल्व कैसा होता है, सारे लोग जरा बताओ, एयर टू ओपन का मतलब कैसा हो गया, इनडायरेक्ट, एयर टू ओपन का मतलब कैसा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि मूवमेंट कैसा था स्टेम का, निगेटिव डायरेक्शन में, तो इनडायरेक्ट। वॉल्व का एक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि आपका क्या था, इनडायरेक्ट। वॉल्व कैसा होगा, इनडायरेक्ट, वॉल्व का एक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि एयर टू ओपन है, एयर टू ओपन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, तो वॉल्व कैसा होगा, इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट का मतलब रिवर्स, तो आपका कंट्रोलर वॉल्व शुड बी रिवर्स, और आपका यस कंट्रोलर का एक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, रिवर्स, कंट्रोलर का एक्शन कैसा होगा, यस ओके, एक मिनट यार, ये तो गलती था, कंट्रोलर का एक्शन डायरेक्ट और वॉल्व कैसा होगा, रिवर्स एक्टिंग, इसका मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर, इसका मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर। वॉल्व कैसा होगा, रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्व आपका रिवर्स एक्टिंग लगा है, इस वजह से आप कंट्रोलर कैसा लगाओगे, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग आप कंट्रोलर लगाओगे, वॉल्व कैसा लगा है, रिवर्स एक्टिंग, ठीक है। बोलिए सर लोग, बात बनी क्या की नहीं, 100% बात बनी की नहीं, बोलो, दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था भाई साहब, एयर टू ओपन वॉल्व हमेशा कैसे होते हैं, रिवर्स एक्टिंग, एयर टू क्लोज कैसे होते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि मूवमेंट कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। साढ़े सात बजे नीतीश, ठीक है,
तो ये कैसा हो गया आपका, हमेशा ध्यान रखना है ईयर टू ओपन कैसे होते हैं इनडायरेक्ट, ईयर टू क्लोज कैसे होते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मूवमेंट कैसा होता है पॉजिटिव, तो ईयर पढ़ने पे डायरेक्ट क्लोज हो रहे हैं ईयर टू क्लोज, ठीक है, ईयर पढ़ने पे डायरेक्ट क्लोज हो रहे हैं वो होते हैं हमेशा डायरेक्ट, लिख लेना नोट करके, ठीक है लिख लेना, ईयर टू क्लोज, ईयर टू क्लोज इनका एक्शन कैसा होता है डायरेक्ट, हमेशा यूनिवर्सल बात है ये डायरेक्ट, ठीक है ये नोट करके रखना, ईयर टू क्लोज, ईयर टू क्लोज कैसे होंगे, ईयर टू, ईयर टू ओपन, ईयर टू ओपन इनडायरेक्ट, ईयर टू ओपन कैसा होगा ईयर टू ओपन इनडायरेक्ट, कैसा होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि स्टेम की पोजीशन कैसी होती है निगेटिव, इसमें स्टेम की पोजीशन कैसी होती है पॉजिटिव, ईयर पढ़ने पे स्टेम पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, तो कैसा हो गया डायरेक्ट, कैसा हो गया डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब आपका स्टेम की पोजीशन ऊपर जाती है ईयर टू ओपन में तब खुलता है, तो इसका मतलब कैसा हो गया इनडायरेक्ट, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। यस, ये खड़गपुर का क्वेश्चन है, 2006 में खड़गपुर ने पूछा था, मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल लग जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन पूरी आईपीसी पढ़ लेते हैं, सस्टेन करते हैं इनमें, ये वाले लोग बोलते हैं सर कंट्रोल वॉल्व नहीं आता है सिर्फ समझ में, सब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑफ ऑफसेट सब निकाल लोगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन फंसे रहते हैं, ठीक है, और ये फिर एंड तक फंसे ही रह जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इन पर ढंग से टाइम दिया है आप लोगों को, ढंग से टाइम इसी वजह से दिया है कि एक एक चीज आ जाए समझ में। ओ ग्रेट मोहित, शानदार क्वेश्चन, ठीक है, तो ये चीज थी भाई साहब, देखो समझो आपको मेंटेन करनी थी हाइट और आपको कंट्रोलर का बताना था एक्शन कैसा कंट्रोलर होगा और वॉल्व का एक्शन बताना था कि वॉल्व किस टाइप, क्यों क्यों होगा, क्योंकि वॉल्व तो आप फिक्स कर देगो, जैसे एयर टू ओपन लगाए आपने पहले ही बता दिया था इनडायरेक्ट होगा, पहले ही आपने बता दिया था रिवर्स होगा, ठीक है, बी और सी में से आंसर होंगे, डायरेक्ट तो होएगा ही नहीं, ठीक है, पहले ही आपने देख के ही तुरंत बता दिया था वॉल्व कैसा होगा रिवर्स। अच्छा, अब सिर्फ कंट्रोलर डिसाइड करना था कि इनकेस अपन को क्या करना है, इसकी हाइट मेंटेन करनी है तो वॉल्व कैसा लगाना पड़ेगा आपको, वॉल्व एयर टू ओपन लगाई, ये पहले से ही उन्होंने दे दिया था, एयर टू ओपन लगाए इसका मतलब वॉल्व खोलना पड़ेगा, वॉल्व कब खोल पाओगे, तब इसके अंदर ऊपर प्रेशर दोगे, प्रेशर कब दोगे, जब ऊपर से बढ़ा हुआ सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज ये बंद पड़ा रहेगा, ठीक है, आप प्रेशर मत दो बढ़ाया हुआ, आप प्रेशर बढ़ाया हुआ नहीं देंगे तो ये बंद पड़ा रहेगा, क्योंकि पहले से ही क्या होगा ये क्लोज होगा, ऑलरेडी क्लोज होता है एयर टू ओपन, एयर पढ़ने पे ये क्लोज होता है, तो ऑलरेडी बंद पड़ा रहेगा तो इसका मतलब इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलोगे कब, तब इसमें प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर कब अप्लाई होगा, जब कंट्रोलर का आउटपुट बड़ा मिलेगा, कंट्रोलर का आउटपुट इसका मतलब ये तो कंट्रोलर लगा है, तो कंट्रोलर का तब आउटपुट बड़ा मिलेगा तभी ये खुलेगा, तभी वॉल्व खुलेगा, तो कंट्रोलर का आउटपुट कब बड़ा मिलेगा, आउटपुट बड़ा मिला और इसकी लिक्विड की लेवल आपको बड़ी मिली, इसका मतलब इनपुट बड़ा आउटपुट बड़ा, तो इसका मतलब एक्शन कैसा हो गया डायरेक्ट, ठीक है, तो एक्शन कैसा हो गया डायरेक्ट, राइट, सुपर क्वेश्चन है ये, यस यस नीतीश, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसको फिर हम कंप्लीट ही अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है, तो एक यार क्वेश्चन इतने ढंग से आप लोग समझ लो ना, मजा आ जाए आपको, मजा आ जाए, ठीक है, तो इस पर आप लोग अब चर्चा कर सकते हो, इस पर आप लोग चर्चा कर सकते हो ढंग से, ठीक है, आपसे कोई बात करे तो आप बात एटलिस्ट करने के लायक हो गए, ठीक है, आप लोग बात कर सकते हो, चलो, यस, DRIH, एब्सोल्युटली, डटे रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग डट नहीं पा रहे हैं, 100 थे, ठीक है ना, 73 डटे हैं, 20 लोग सो गए, ठीक है, 20 लोग सो गए बीच में, ठीक है, तो उनको भी जगाओ, जो लोग सो गए ना उनको जगाओ, नहीं भाई साहब जगना है तुमको, मेहनत करनी है, ठीक है ना, मेहनत करनी है, चलो एक और क्वेश्चन दिया जाए क्या, एक और क्वेश्चन दिया जाए, बोलिए सर लोग, एवरीवन आर रेडी, एक और क्वेश्चन दिया जाए, बोलिए, वॉल्व आज खत्म हो जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से, फिर हम लोग बात करेंगे, यस, अभी वॉल्व का जो फर्स्ट पार्ट था वो आज खत्म हो जाएगा,
एक और क्वेश्चन दिया जाए क्या? यस, चलो, यस सर, श्योर, थोड़ा और मजा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आईएससी ने 2002 में पूछा है, ये क्वेश्चन आईएससी ने 2002 में पूछा है। यस, रेडी। आईपीसी का बेस्ट बुक कौन सा है? कफनर, ठीक है कफनर, लेकिन गेट के लिए कोई सा भी बुक आईपीसी, यार गेट का अलग पैटर्न है, ठीक है ना। जो बुक्स है ना वो सब किसके लिए बनी है? आपका बीटेक हो गया, रिसर्च होगी, उनके लिए बुक्स बनी है, ठीक है ना। गेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर आपका हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बुक में मिलेगा नहीं, बुक में लिखी होगी थ्योरी, कॉन्सेप्ट खुद बिल्ड करने पड़ेंगे आपको, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे आपको। यस, उनके न्यूमेरिकल्स आप लोग, आज मैंने आज से स्टार्ट कर दिया था टेक्स्ट बुक कफनर के, बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स कुछ बच्चों ने किए होंगे यहाँ पे जो होंगे, ठीक है, इन्जॉय किए होंगे सेशन, लेकिन काफ़ी यस यूट्यूब अपने प्लस वाले काफ़ी बच्चे थे, यूट्यूब वाले उतनी स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। चलो, गजब, सुपर। नाउ प्रॉब्लम नंबर टू, डू दिस फास्ट, डू दिस फास्ट। 3 बजे था, मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, कल 2 बजे होगा, कल आपका 2 बजे होगा, ठीक है, कल अगेन होगा, कल भी होगा 2 बजे, इनकेस आप लोग बोलेंगे तो कल भी ले लेंगे, कल 2 बजे ले लेंगे, ठीक है, 2 बजे बी अपडेटेड। चलो, डू दिस फास्ट, इसको करेंगे सारे लोग, जरा देखो बन रही है बात की नहीं, बात बन रही है कि नहीं, देखो बात बन रही है कि नहीं, देखिए सारे लोग, यस, चलो ठीक है। इसका थोड़ा फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ लो, टेम्परेचर ऑफ द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रही है, टैंक के अंदर कितनी किस कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक, टेकिंग प्लेस इन अ सीएसटीआर इन डन विद द हेल्प ऑफ द कूलिंग वाटर फ्लोइंग ऑफ द जैकेटेड अराउंड द रिएक्टर, द टाइप ऑफ द वॉल्व एंड कंट्रोलर एक्शन, वॉल्व कौन सा लगाओगे और कंट्रोलर एक्शन कौन सा लोगे, ये बात करनी है। चलो देखना बहुत ध्यान से, ऐप पर होगा, ऐप पर देखना मत, अब देखना मैं इधर फिगर बना दे रहा हूं, मैं फिगर पहले बना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये आपका कोई सीएसटीआर है, ये आपका सीएसटीआर है, और मैं बोलूं ये सराउंडिंग में आपका क्या लगा है, कूलिंग, ये सराउंडिंग में आपकी क्या हो रही है, कूलिंग, ठीक है, ये आपका सीएसटीआर है और सराउंडिंग में कूलिंग हो रही है, लिसन केयरफुली, ठीक है, सराउंडिंग में क्या हो रही है आपकी, कूलिंग, ठीक है, सराउंडिंग में आपकी हो रही है भैया कूलिंग, राइट। यस, ये आपका सी एस टी आर है, ये आपका क्या है भैया, सी एस टी आर है, ठीक है, ये आपका सी एस टी आर है, ठीक है, इसमें आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है कोई सी भी, तो मैं बोलूँ आपकी कोई रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक, ए से बी बन रहा है, ठीक है, और आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है, ओके, और सराउंडिंग में ये आपका वाटर है, सराउंडिंग में ये आपका कूलिंग वाटर है, ये आपका मस्त एकदम से कूलिंग वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका कूलिंग वाटर है इसमें सराउंडिंग में, ठीक है, ये आपका क्या है, कूलिंग वाटर, इसमें आपका कूलिंग वाटर है, बना लेना मस्त तरीके से फिगर, समझ लेना मजेदार, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, कूलिंग वाटर, ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना, ओके, ठीक है, और कूलिंग वाटर इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं से ये इसमें कूलिंग वाटर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से कूलिंग वाटर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, कूलिंग वाटर आ रहा है, कूलिंग वाटर आपका आ रहा है, ठीक है,
और आपका इधर से क्या निकले जा रहा है, कूलिंग वाटर का ये आउटलेट है, ठीक है, ये आपका वाटर का आउटलेट है, ठीक है, और इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर होता है, ठीक है, तो इसमें आपका इनपुट आ रहा होगा, इनपुट आ रहा होगा, राइट, और यहां से आपका आउटपुट, मान लो मैं निकाल दे रहा हूं, यहां से आपका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, इसका आउटपुट निकल रहा है रिएक्शन मिक्सर का, ठीक है, राइट, अच्छा, ओके, इतनी बात हो रही होगी पिक्चर में, ठीक है, इसका इनपुट आ रहा है, यहां से निकल जा रहा है, जो कूलिंग वाटर है वो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके अपना सिर्फ इसको सिस्टम को ठंडा कर दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, सिस्टम को अपना ठंडा कर दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉल्व किस टाइप का होगा और जो आपका इसमें कंट्रोलर जो लगाएंगे वो किस टाइप का होगा, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका, देखो, कूलिंग वाटर फ्लोइंग जैकेटेड अराउंड द रिएक्टर, ठीक है, द टाइप्स ऑफ द वॉल्व, किस टाइप का आप वॉल्व यूज करेंगे एंड कंट्रोलर एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका एयर टू ओपन वॉल्व यूज करेंगे, एयर टू क्लोज वॉल्व यूज करेंगे, कंट्रोलर का डायरेक्ट एक्शन होगा या इनडायरेक्ट एक्शन होगा, ये हमको पता करना है, ये हमको पता करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यस, बहुत ध्यान से देखना, यस, आप लोग थोड़ा सोच पा रहे हैं क्या, जरा आप लोग थोड़ा बताओ, मैं बोलूं यहां पे आपका क्या लगा होगा, कंट्रोलर, मैं बोलूं यहां पे आपका लगा होगा टेम्परेचर कंट्रोलर, कौन सा लगा होगा, टीसी, यहां पे कौन सा लगा होगा, टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा, मैं बोलूं, लिसन केयरफुली, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां पे आपका लगा होगा भैया टेम्परेचर कंट्रोलर, क्या लगा होगा, टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, यहां पे आपका लगा होगा टेम्परेचर कंट्रोलर, राइट, टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर अपना सिग्नल किसको दे रहा होगा, इसको, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर अपना सिग्नल किसको दे रहा होगा, वॉल्व को, कि वॉल्व को बंद करना है कि खोलना है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये लगा है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर रीडिंग कहां से रीड कर रहा होगा, यहां से रीडिंग कहां से रीड कर रहा होगा, जो यहां पे आपका थर्मोमीटर लगा होगा, यहां से आपका रीडिंग रीड कर रहा होगा, ठीक है, टी मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस लगी होगी, वो किस पे जा रही होगी, कंट्रोलर के पास जा रही होगी, कंट्रोलर से आपका आउटपुट निकल रहा होगा, कंट्रोलर से आपका आउटपुट निकल रहा होगा, वो इस वॉल्व को या तो आपका क्या करेगा, खोलेगा या तो बंद करेगा इसके हिसाब से, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसको खोलेगा, इसका टेम्परेचर घट रहा होगा तो इसको कम करेगा, जरा आप लोग बताओ थोड़ा सोच के, अब तो आधा तो मैंने सॉल्व ही कर दिया है, अब खुद बता दो, अब तो बता दो यार, अब तो बता दो, ठीक है ना, अब सीधा सीधा आंसर चाहते हो क्या सारे लोग, अब सीधा सीधा आंसर तो नहीं चाहते होगे, अब तो मान लो 80% आपकी बात मैंने खत्म कर दी, अब जस्ट थोड़ा सोचना रह गया, यस, अभी मैंने कहां आंसर दिया है, अभी जानवी मैंने कुछ नहीं बोला है, अभी आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट एनी आंसर, तो मैंने कुछ बोले ही नहीं है, ठीक है, अभी मैं आंसर तो आपसे चाह रहा हूं, जस्ट मैंने अरेंजमेंट आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है, आपका मैंने जस्ट फ्रेम तैयार किया है, पिच तैयार कर दी है, अभी खेलना बाकी है, ठीक है, जस्ट अभी पिच तैयार हुई है आपकी, ठीक है, अब बैटिंग आप लोग करनी है, ठीक है, बैटिंग आप लोग करो, यस, जरा देखो सारे लोग सोच पा रहे हैं क्या, यार ये बताओ, पहले तो हम लोग बल्ब डिसाइड कर लेते हैं, सारे लोग ये बताओ, चलो कंट्रोलर छोड़ो, बल्ब डिसाइड करो, बल्ब कैसा लगाएंगे, सारे लोग ये बताओ बल्ब कैसा लगाएंगे, सारे लोग डिसाइड करो बल्ब किस टाइप का लगाएंगे, बताओ सारे लोग, जरा बताओ बल्ब किस टाइप का लगाएंगे, बड़ा मजा आता है इसी वाले क्वेश्चन में, पता है ये एक्चुअली इंजीनियरिंग की फीलिंग आएगी आपको, ये आपको एक्चुअली इंजीनियरिंग की फीलिंग देगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल में मजा नहीं है, मजा असली यहीं पे है, सारे लोग बल्ब डिसाइड करो कैसा लगाएंगे, मजा आ जाएगा देखना बहुत, कैसा बल्ब लगाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं ईयर टू ओपन, ईयर टू ओपन, क्यों ईयर टू ओपन, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ईयर टू ओपन, ईयर टू ओपन क्यों, ईयर टू क्लोज क्यों नहीं, ईयर टू ओपन लगाया, ईयर टू क्लोज क्यों नहीं, ये बताओ सारे लोग, ईयर टू ओपन आप लोग लगा रहे हैं, ईयर टू क्लोज क्यों नहीं लगा रहे हैं, मजा आएगा, सोचो जरा, यस, राहुल ने बहुत शानदार बात बोली है, बहुत ध्यान से देखना, राहुल ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्यों, क्योंकि सपोज कर लो ये यार वॉल्व एयर टू ओपन, इसका मतलब आपका, आप ये चाहते हो कि लगातार पानी की सप्लाई होती रहे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये फिक्स है, आप क्या चाहते हो, लगातार पानी की सप्लाई होती रहे, इनकेस वॉल्व फेल भी हो जाता है तब भी पानी आता रहे, अब कम आता रहे ज्यादा आता रहे वो बात अलग है, आप चाहते हो ना कि पानी लगातार इसमें आता रहे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
इनकेस आपने ऐसा बॉल लगा दिया जो पहले से क्लोज हो तो वो फेल हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो एयर टू ओपन का मतलब ऑलवेज ओपन, एयर टू ओपन कौन लगा रहा था यार? एयर टू ओपन किसने लगाया पहले इसको पकड़ो। एयर टू ओपन का मतलब ये क्लोज रहेगा, वो नहीं लगाना है, ये बॉल नहीं लगाना है, ठीक है? किसने बोला एयर टू ओपन, किसने बोला? ठीक है, चार बैठक लगाओ अपने रूम में, जिस रूम में आप लोग प्रेजेंट हो, चार बैठक लगाओ जल्दी से, ठीक है? एयर टू ओपन का मतलब ऑलरेडी क्लोज, क्लोज होगा एक जो थर्म, इनकेस ये फेल हो गया तो सब ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, सब ब्लास्ट हो जाएगा। तो बॉल कैसा लगाएंगे जो पहले से ओपन हो, कौन सा लगाएंगे बॉल? ऐसे क्या इंजीनियर यार, ऐसी बातें नहीं करनी है, इंजीनियर आप लोग अच्छे वाले बनेंगे ना, कंपनी का नुकसान करके मत आ जाना, ठीक है, कंपनी का नुकसान करके मत आना। एयर टू ओपन, एयर टू ओपन नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज जो पहले से ही ओपन रहे, इनकेस फेल भी हो गया तब भी भैया पानी आता रहे। एयर टू क्लोज मीन्स ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी ओपन जो भैया पहले से खुला रहे बॉल, कम से कम पानी आता रहे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना फिक्स है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, लगातार भैया पानी की सप्लाई होती रहे, आप ऐसा बॉल पहले लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये एयर टू ओपन बॉल नहीं लगा देना है, ठीक है, ये पता चला फेल हो गया तो ये क्लोज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, हाँ। तो एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज का मतलब जो पहले से ओपन हो। अच्छा सारे लोग ये बताओ, बॉल सारे लोगों ने फिक्स कर लिया क्या? बॉल फिक्स कर लिया, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द एयर टू ओपन? यू विल यूज एयर टू क्लोज क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन रहेगा, तो पानी तो भैया कम से कम आता रहेगा इनकेस बॉल फेल भी हो गया तो, ठीक है, इतनी बात आ गई सबको समझ में। तो बॉल कौन सा लगाएंगे? एयर टू क्लोज। देखो ऑप्शन में कुछ आ रहा है क्या बॉल? अच्छा एयर टू, ओके एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज का मतलब ऑप्शन ए या डी में से एक होगा, ऑप्शन ए या डी में से एक होगा, बी और सी तो खत्म हो गए क्योंकि एयर टू ओपन लगा दिए थे, है ना, एयर टू ओपन लगा दिए थे तो बी और सी तो खत्म हो गए, एयर टू ओपन बॉल और एयर टू क्लोज एयर टू क्लोज, बी और डी, बी डी एयर टू क्लोज लगाना है, एयर टू ओपन तो लगेंगे ही नहीं, एयर टू ओपन तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है, यहां पे थोड़ा ये करेक्ट कर लेना, ठीक है, आपका कैसा लगेगा? एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज जो ओपन रहे, एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज, बी और डी में से एक आंसर होगा, ठीक है, आपका या तो बी होगा या तो आपका डी होगा, ठीक है, आपने बॉल को डिसाइड करके आपने 50% अपनी बात सॉल्व कर ली, आपने अपनी 50% बात सॉल्व कर ली, ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से, अब आ जाओ फिर से, ओके यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, सारे लोग जरा ये बताना, मेरा यहां पे सपोज कर लो पहले 5 मीटर क्यूब पर सेकंड से पानी आ रहा था, अब इसमें टेम्प एक्सोथर्मिक हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हो गया भाई साहब, इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो आप चाहोगे इसका फ्लोरेट इंक्रीज करना, लिसन वेरी केयरफुली, आप चाहोगे इसका फ्लोरेट इंक्रीज हो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले आपका स्टेडी स्टेट मेंटेन था, मान लो इसका कुछ रिएक्शन नहीं हो रही थी तो आ रहा होगा, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो आप चाहेंगे फ्लोरेट इंक्रीज हो, बोलो सारे लोग, इसका मतलब जो आपका कंट्रोलर होगा, जो कंट्रोलर होगा इसका आउटपुट आप चाहेंगे बढ़ा हुआ, आउटपुट चाहेंगे बड़ा हुआ, सारे लोग जरा बताओ, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, आउटपुट चाहेंगे सारे लोग बड़ा हुआ, क्योंकि इसका क्या हो, ये क्या, रुको एक मिनट लिसन केयर, रुको ऐसे नहीं समझना है, ये समझो कंट्रोलर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये बताओ इसका इनपुट बढ़ रहा है क्या, इनपुट सारे लोग बताओ इनपुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये तो आप गारंटी ले रहे होगे, इनपुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये तो आपने गारंटी ले ली क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बोलिए इनपुट कंट्रोलर का जो आपका टी मेजरिंग एलिमेंट है वो आपका इसमें बढ़ा हुआ टेम्परेचर इसको पहुंचा रहा है कि नहीं, ये तो आपने 100% गारंटी ले रहे हो क्योंकि क्या टेम्परेचर भैया बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें इनपुट सिग्नल बढ़े हुए मिल रहे हैं, इनपुट सिग्नल कंट्रोलर को बढ़े हुए मिल रहे हैं, इनपुट सिग्नल कंट्रोलर को भाई साहब बढ़े हुए मिल रहे हैं, इतनी बात सारे लोग पकड़ पा रहे हैं क्या? अच्छा अब सुनो, आपने बॉल्ब कैसा लगा रखा है? एयर टू ओपन,
सॉरी वॉल्व कैसा लगा रखा है, ईयर टू क्लोज। ईयर टू क्लोज का मतलब क्या हुआ, ईयर टू क्लोज का मतलब जैसे ईयर का प्रेशर बढ़ा तो ये क्लोज कर देगा। मान लो यहां से भी बढ़ा हुआ सिग्नल मिल गया, मींस आपने कंट्रोलर एक्शन बढ़ा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया तो भाई साहब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहते हो इसका, इसमें जो एयर का प्रेशर है वो कम से कम रहे, इनकेस एयर प्रेशर बढ़ गया तो इसको तुरंत क्या कर देगा, सप्लाई बंद कर देगा पानी की। तो सप्लाई बंद कर देगा तो कहानी जाएगी बिगड़, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो आप चाहते हो इनपुट तो बढ़ा, लेकिन आप चाहते क्या हो, ऐसा कंट्रोलर लगाओ हो जिसका आउटपुट क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, राइट। आप क्या चाहते हो, इनपुट तो बढ़ा लेकिन कंट्रोलर कैसा चूज करके लेकर आओगे मार्केट से, इनडायरेक्ट एक्शन कंट्रोलर, ठीक है। कौन सा, इनडायरेक्ट। तो आप कंट्रोलर कौन सा लगाओगे भाई साहब, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि इनपुट तो बढ़ रहा है कंट्रोलर का लेकिन आप आउटपुट चाहोगे कम, क्योंकि इनकेस ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, आउटपुट भी बढ़ गया, इसका मतलब फिर ये प्रेशर भी बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ा देगा, वॉल्व क्या कर देगा, एयर टू क्लोज है, प्रेशर जैसे अप्लाई होगा वॉल्व तुरंत क्लोज हो जाएगा, वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिंग लगा है, एयर टू क्लोज का मतलब डायरेक्ट। और वॉल्व जैसे क्लोज हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भैया हो रही है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब आपका कंट्रोलर कैसा होगा, इनडायरेक्ट। कंट्रोलर कैसा होगा, इनडायरेक्ट। पकड़ लो, देखो किसमें है कंट्रोलर डायरेक्ट, इसे हटा दो, कंट्रोलर इनडायरेक्ट। आंसर विल बी बी पार्ट। इसका हर जगह आंसर गलत है, चाहे बुक देखना कहीं पे भी आप देखना जाके, इसका आंसर गलत दिया गया, लेकिन आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट क्या होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बुक्स वगैरह आप ये साइट्स वगैरह पे देखेंगे, इसका आंसर गलत, टेस्ट सीरीज में भी इवन गलत मिलेगा आपको, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट होगा, राइट। आंसर क्या होगा, बी पार्ट। तो ये था इसका भाई साहब, ये था असली मजा, ये था असली मजा, ठीक है। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इसको। होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, असली मजा है यहां पे, असली मजा है। आपको इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके, पता है ऐसा लगता है किसी मैंने इंडस्ट्री में जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना। आप बॉल्ब वगैरह डिसाइड करोगे ना, आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मैं बॉल्ब डिसाइड कर रहा हूं, इसका मतलब अब आ रही है असली फीलिंग इंजीनियरिंग वाली, ठीक है। जैसे आप बॉल्ब डिसाइड करना सीख गए तो समझ लो फिर काम हो गया, असली मजा यहीं पे है। उस समय आंसर की नहीं देता था आईएससी, उस समय नहीं, 2013 से 12 से देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो असली आपको मजा आएगा, आप जैसे बोल दो भाई साहब अब मैं बॉल्ब डिसाइड कर सकता हूं, अब मैं कंट्रोलर डिसाइड कर सकता हूं, आप दो मेरे को प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम दो, आई विल डिसाइड माई कंट्रोलर, आई विल डिसाइड माई वॉल्व। आप वॉल्व दो, मैं कंट्रोलर डिसाइड कर दूंगा, आप कंट्रोलर दोगे, मैं वॉल्व डिसाइड करके आपको बता दूंगा कि कौन सा वॉल्व यूज करना है, ठीक है। बस आपको प्रॉब्लम दो, आप रेडी रहो, ये वॉल्व लगाना है सर यहां पे, क्यों लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम जबरदस्ती मार्केट से ये वाला कंट्रोलर उठा के लेकर आ गए तो आप वॉल्व कैसा चूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप मस्त तरीके से चूज करके बता पाओगे, ये मतलब बहुत बेहतरीन वाला पार्ट है, ठीक है, बहुत बेहतरीन वाला पार्ट है। अदरवाइज तो थ्योरी वाली पार्ट रहती है, इसको आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल वाला पार्ट, क्या मैं आपको बताऊं ना, ऐसे क्वेश्चन लास्ट तक फंसे रहते हैं, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वाला तो हो जाता है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ये एक्सप्रेशन लगाना है, पुट करो, ओवरशूट निकाल दो, लेकिन इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग याद टाइप के कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अच्छा ये कर लो, ठीक है। इनकी एक्चुअली ये तो बड़े शानदार क्वेश्चन है, इनको तो तगड़े से अपन को समझना है। तो ये चीज है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप एकदम से दौड़ा दौड़ा के बनाओगे, ठीक है। तो ये था आज का भैया सेशन, आपका आज का ये सेशन था।
ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। कल एक आज 3 बजे क्लास हुई थी, मैंने कफनर के क्वेश्चन करवाए थे जो आपकी टेक्स्ट बुक आती है, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो देख लें जाके, बहुत शानदार क्वेश्चन किए गए वहां पे, ठीक है। ओके, तो ये था आज का सेशन, कल हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है ना, वॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, क्विक ओपनिंग जो इस बार गेट में आया था क्वेश्चन, क्विक ओपनिंग क्या होता है, लीनियर वॉल्व क्या होता है, इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी क्या होता है, डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, गेट में जो न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ बनते हैं उस वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल डियर, लव यू ऑल, ठीक है। तो दिस द इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं, दिस द ऑफर अलर्ट, आप लोगों को लगता है कि प्लस ज्वाइन करना है और हमारे साथ आपको मूव करना है, देन यू कैन यूज दिस कोड MR100, ठीक है। आप जब भी प्लस ज्वाइन करते हैं आप कोड यूज कर सकते हैं MR100, इसमें हमारा और आपकी फीलिंग वाला पार्ट रहेगा, हमारी और आपकी एक बॉन्डिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, एक मेंटरशिप वाला पार्ट रहेगा, एक गाइडेंस वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। चलो, एंड दिस द प्लस एंड आइकॉनिक, इनके साथ प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बेहतरीन फॉर्म में, क्रैश कोर्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, इसी अगस्त में आपको मास ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी अगस्त में आपको मास ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मास ट्रांसफर की भी बात हम लोग कर रहे होंगे प्लस पे, तो आप लोगों को लगता है प्लस ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली कोड यूज कर सकते हैं MR100, यहां से आप लोग मस्त तरीके से प्लस के साथ मूव कर सकते हैं, 2 घंटे की क्लास रहती है, शानदार तरीके से चलती है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं MR100, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द प्लस कोर्स, ठीक है, अभी अगस्त में आप लोगों को इसमें मास ट्रांसफर देखने को मिलेगा, ठीक है, होप सो आपको 26th ऑफ द अगस्त से देखने को मिल जाए, राइट, ओके। तो दिस द भैया इंफॉर्मेशन एंड दिस द फीस, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, आप लोग इनकेस 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ के लिए चूज करते हैं तो आप कोड यूज करिएगा MR100, ठीक है, यहाँ से आपको करंट में डिस्काउंट, उसके साथ साथ हमारा गाइडेंस, हमारी मेंटरशिप आप लोगों को हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। तो दिस द प्राइस यू कैन सी हियर एंड दिस द फॉर आइकॉनिक, आपको आइकॉनिक अच्छा लगता है, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड है, डेफिनेटली यू कैन मूव विथ आइकॉनिक एंड दिस द केमिकल इंजीनियरिंग होल टीम, ठीक है, आप हमारी केमिकल इंजीनियरिंग टीम के साथ प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट आपको दो दो फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिनके साथ भी आपकी ट्यून बैठ जाती है मस्त तरीके से उनके साथ आप खेल जाओ, ठीक है। चलो, एंड दिस इज द स्पेशल क्लास फीचर्स, कल आपकी 2 बजे क्लास होगी, ठीक है, कल आपकी 2 बजे क्लास होगी, मैं आपको अनाउंस करे दे रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कल 2 PM पर क्लास होगी, 2 PM पर स्पेशल पे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं आप लोग देख सकते हैं, 2 PM पर कल क्लास होगी यहाँ पे स्पेशल पे, ठीक है ना, इसमें हम लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सारे लोग अटेंड करिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है, आज वाला पेपर अटेंड करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। चलो, इसकी हम लोगों ने बात कर ली, नाउ अब मैं मूव करूंगा, दिस इज द वर्क्स मंटी, आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे मिलता है तो यू कैन रिपोर्ट, ठीक है, उसके भी आप पे आप लोगों को प्राइस भी मिलेगा, ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यार, आप मैं आपको बता दूं, इन केस किसी के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है कि प्लस के साथ सर क्या मुझे मूव करना चाहिए या मेरा यहाँ से चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इन केस आपको 2% भी डाउट है तो आप प्लस के साथ मूव कर जाओ, क्योंकि यार ये टाइम दोबारा नहीं आता है, दोबारा इतना मोटिवेशन नहीं रहता है, आप जब भी दोबारा या थर्ड टाइम तैयारी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं रिपीट करते हैं, दोबारा उतना मोटिवेशन नहीं ला पाते हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने का जो होता है ना मोटिवेशन और जो आपकी मेहनत चलती है, ठीक है, गजब रहती है, तो आपको लगता है कि 1% भी प्लस के साथ मूव करना है तो आप मूव कर जाना, ठीक है ना, चीजें आगे पीछे सब एडजस्ट हो ही जाती हैं, आपको मैं बताऊं, ठीक है ना, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी ड्यूरेशन ऑफ द प्रिपरेशन कॉलेज में, ठीक है ना, फिर चीजें अपने आगे पीछे सब एडजस्ट हो ही जाती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियां रहेंगी, इकोनॉमिकल जो वीक होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यार कुछ ना कुछ एडजस्ट करके आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, कैरियर से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पैसा आएगा जाएगा सब होता है, ठीक है ना, लाइफ में लोग आएंगे जाएंगे सब होता है, लेकिन एक बार आप लोग सेट हो गए ना तो फिर जो पीछे जो भी होता है सब उसका वैल्यू निकल के आ जाता है, मल्टीपल टाइम्स वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है ना, तो मस्त तरीके से आप लोग ज्वाइन कर, आपको लगता है कि इफिशियंटली आप वर्क कर पाएंगे ज्वाइन करके, रेगुलर रह पाएंगे, तो आप डेफिनेटली उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट होंगे उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, अभी मेरा मास ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो आप उसके साथ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, मस्त तरीके से आप कोड यूज कर लीजिएगा ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग MR100, ठीक है, यहाँ से मैं आपको, आपको कोई दिक्कत आती है अपन अकेडमी ऐप पे मेरे को मैसेज करो, आपकी कोई समस्या आती है जस्ट बात करो, ठीक है,
आपको कोई डाउट आता है यू कैन जस्ट टॉक विथ अस, ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा MR100, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द प्लस कोर्स, ठीक है। तो दिस इज द भैया इन्फॉर्मेशन, आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मैक्सिमम लोग इस सेशन को एंजॉय कर सकें, राइट। यस, फेल ओपन क्लोज में डाउट मेरा दिल में सर, फेल ओपन फेल क्लोज डाउट मेरा, फेल ओपन का मतलब क्या हुआ, एयर प्रेशर रीड कर, मतलब ये फेल ओपन का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो वो कैसा रह जाए, ओपन ही रह जाए, फेल ओपन का मतलब, फेल ओपन का मतलब एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज वॉल्व है आपका, देखो ये वॉल्व है, ठीक है, मैं बोलूँ ये आपका जैसे वॉल्व है, ठीक है, इधर से आया इधर से गया, और ये आपका क्या है, फेल ओपन, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट लगा है। फेल ओपन का मतलब क्या हुआ, फेल ओपन का मतलब क्या है कि आपका वॉल्व है ना कैसा हो जाए, ओपन रह जाए, फेल हो गया, मतलब आपने एयर प्रेशर नहीं आया तो वो कैसा रह जाए, ओपन ही पड़ा हुआ है, ये वाला देखो स्लाइड, आपका वॉल्व कैसा रह जाए, ओपन ही रह जाए, देखो एक मिनट, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज माई टाइम। फेल ओपन का मतलब क्या है, फेल ओपन का मतलब क्या है कि आपका ओपन ही रह जाए, किधर गया, फेल ओपन का मतलब क्या है, यस, फेल ओपन, एयर टू क्लोज, एयर टू क्लोज वॉल्व जनरली क्या होते हैं, फेल ओपन, इसका मतलब क्या हो गया, इनकेस एयर प्रेशर इसने रीड करना क्या हो जाए, फेलियर हो जाए, एयर प्रेशर नहीं रीड कर रहा है, तब क्या हो जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा, ये ओपन ही हो जाएगा, इस वजह से इसको फेल बोलते हैं, ये फेलियर हो गई कंडीशन, इसका मतलब इसमें कुछ भी करो ये ओपन ही रहेगा, इसमें कुछ भी करो ये ओपन ही रहेगा, ठीक है, तो फेल हो गया ये। थैंक यू सो मच सर। हाँ तो लाप्लास मैंने, ठीक है, साथ साथ देखो एक बार, ठीक है ना, है ना, फेल हो गया, मतलब फेल ओपन का मतलब फेल हो गया और ओपन बना रहा, क्या रहेगा भैया, ओपन ही बना रहेगा, इसका मतलब कुछ भी करो ये फेल हो चुका है, ये क्या हो गया, आप इसमें तुम प्रेशर चाहे जितना घटाओ बढ़ाओ ये रीड ही नहीं कर रहा है, ये क्या रहेगा भैया, ओपन ही रहेगा, राइट, तो फेल ओपन इसको बोलते हैं, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई भी डाउट होगा आप जस्ट पूछो यार, तभी तो मजा आएगा, आप इनकेस अपने डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर पढ़ने पढ़ाने का क्या ही मतलब है ना, तो डाउट तो आपको पूछना पड़ेगा, तभी मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, अदरवाइज मैं पता चला आया एकदम से, मैं कुछ नहीं लेके, ठीक है ना, आपकी देखो सामने रहता पूर्व जैसे वेरिएशन होते हैं आप लोग करते चले जाते, उसी में मजा आए, इनकेस एक आप प्री डिफाइंड आपकी हो गई चीज़ें, टीचिंग प्री डिफाइंड हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा, नेचुरली होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी मजा आता है, तो फिर टीचिंग का भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, राइट, तो नेचुरली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरली फ्रिक्वेंसी के साथ जब हम पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें स्टेबल रहेंगी। कल आपका सेम टाइम पे एक ये वाला क्लास रहेगा, कल 2 बजे आपका टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स, ठीक है, 2 बजे सेशन में, ये सेम टाइम पे रहेगा, चलो फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, एक बार किसी को लगे तो एक बार रिपीट कर लेना लेक्चर, दोबारा देख लेना, मस्त तरीके से और स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, दोनों क्वेश्चन फिर से लगा लेना, है ना, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर।